जो अभी जो ऑर्डर आया है जो डीसी जम्मू ने निकाला है, कि जिसमें बताया गया कि जो एक साल से जम्मू कश्मीर में रह रहा है उसको जो वोटिंग राइट देने का जो प्रावधान जो अभी ऑर्डर निकाला गया है, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं, हम उसको कंडेमन करते हैं। उसके विरोध में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम यहाँ करने जा रहे हैं पीपल्स यूनाइटेड फ्रंट के द्वारा। देखिए, जम्मू कश्मीर यहाँ के जो लोग हैं, आए दिन उन पर नए और नए कानून थोपे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में यहाँ के खासकर डोगराओं की आइडेंटिटी को जो थ्रेट देने का जो काम इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इस तरीके का ऑर्डर है जो ये हमारी आइडेंटिटी को एक बहुत बड़ा थ्रेट है, हमारे कल्चर को बड़ा थ्रेट है। और भारतीय जनता पार्टी अगर ये चाहती है कि हम आने वाले दिनों में बाहर के यूपी बिहार और अन्य गुजरात के जो बाकी और अन्य राज्यों से वोटरों को लाके कि जम्मू कश्मीर में हम क्लीन स्वीप करेंगे, तो ये उनकी मंशा गलत है। आपने जम्मू के सहारे इस राज्य के अंदर एंट्री की और आज जम्मू को ही लताड़ने की कोशिश की जा रही है। आज जम्मू के ही लोगों को उनके हकों से वंचित रखा जा रहा है। बेरोजगारी इस वक्त चरम सीमा पर है। आए दिन हम देख रहे हैं क्राइम रेट किस प्रकार से बढ़ा है, और क्राइम को बढ़ाने वाले कौन लोग हैं? ये बाहर से आए हुए वही लोग हैं जिनका जो 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 सोच है जम्मू को लेके, जिनकी जो सोच है जम्मू कश्मीर को लेके, वो गलत है। हम जम्मू कश्मीर में यहाँ बेरोजगारी पहले इतनी नहीं थी जितनी आज की डेट में है। आए दिन हमारा नौजवान इन समस्याओं से दो चार हो रहा है। इनको इनको फंसे हुए हैं एक डार्क टनल में, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। और ऐसे दौर में जब इतनी विकट परिस्थितियां हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और एक और ऑर्डर लाना, और उनकी मंशा ये है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को इनकी आइडेंटिटी को डाइल्यूट करेंगे, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। हम इसके विरोध में खड़े हैं। हम चाहते हैं कि सरकार इस ऑर्डर को रिव्यू करें, और इस तरीके का जो उनकी सोच है जो उनकी मंशा है उसको हम कतई भी पूरा नहीं होने देंगे। और मैं मुख्यतः एक और बात कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से हम देखते हैं हमारे जो नौजवान हैं वो आज की डेट में उनको सरकारी नौकरी तो है ही नहीं, और प्राइवेट सेक्टर में जब वो जाना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में यही बाहर के लोग बैठे हुए हैं। और प्राइवेट सेक्टर में ये जो बाहर के लोग बैठे हैं इनको हमारा जो हक है ये यही लोग छीन रहे हैं, और इनको अब वोटिंग राइट देके सरकार अगर ये जताना चाहती है कि कठुआ के इंडस्ट्रियल एरिया से, सांबा के इंडस्ट्रियल एरिया से, बड़ी ब्राह्मणा के इंडस्ट्रियल एरिया से इनके अपने विधायक चुनकर आए, तो ये हमें कभी कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जिसको वहम है, जिसके दिमाग में कोई शंका है, मैं उसको चैलेंज करूंगा कि 1 महीना गोविंद सर के उस एरिया में रहकर बता दीजिए, और जहां यूपी और बिहार के लोग रहते हैं, फिर हमसे बात कीजिएगा कि जम्मू कश्मीर के बाकी एरिया सुरक्षित हैं कि वो एरिया सुरक्षित है जहां ये लोग बसे हुए हैं। एक साजिश के तहत अगर आप जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी को इस तरीके से डिल्यूट करना चाहते हैं, खासकर मुख्यतः अगर किसी को सबसे बड़ा थ्रेट होगा तो डोगरा कल्चर को थ्रेट है। कश्मीर में कोई नहीं जाने वाला, कश्मीर में आप कश्मीरी पंडितों को वहां सेटल नहीं कर पाए, और जम्मू कश्मीर में और जम्मू के अंदर खासकर यूपी और बिहार के लोगों को सेटल करने की बात है, ये कैसे मान सकता है? जम्मू कश्मीर का अगर हिंदुस्तान के साथ कोई एलाक हुआ था वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के तहत बताया जाता है, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन में महाराजा हरि सिंह ने जो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर का जो डोगरा है, जो कश्मीरी पंडित है, यहाँ के जो बाशिंदे हैं उनकी आइडेंटिटी को थ्रेट ना पहुँचे, उनकी जॉब्स को थ्रेट ना पहुँचे, उनकी लैंड को थ्रेट ना पहुँचे, लेकिन इस तरीके से आइडेंटिटी को डिल्यूट करने की जो साजिश है ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जॉब्स के अंदर, लैंड में इन्होंने किस प्रकार से बाहर के लोगों को तरजीह देने की कोशिश की है। अब वोटिंग राइट देखें, अब हमारे हमारे वोट का जो अधिकार है उसको भी खत्म किया जा रहा है। यूपी और बिहार के लोगों को नहीं पता है, जो एक साल पहले यहाँ आया होगा वो इन समस्याओं से नहीं दो चार हुआ है, उसे बॉर्डर की सेंसिटिविटी का ज्ञान नहीं है, उसे हिली एरियाज की सेंसिटिविटी का ज्ञान नहीं है, उसे जम्मू कश्मीर के लोगों को जो तकलीफें हैं उनका कोई ख्याल नहीं है, और ऐसे लोग हमारे सिस्टम के अंदर कौन बैठेगा उसका चुनाव करेंगे। और इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा है हम उसके विरोध में खड़े हैं।
और मंदिरों के शहर में दूसरा बताऊं, जो शराब का कारोबार जो दड़ल से बढ़ाना चाहते हैं ये लोग। युवा बेरोजगार है, युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा, यहाँ युवाओं को शराब परोसी जा रही है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो हिंदुत्व की बात करती है, और आपके हिंदुत्व में, आपके इस राष्ट्र में शराब परोसी जाएगी नौजवानों को रोजगार के बजाय। क्या यही है? अगर यही है, यहाँ इतनी पवित्र जगह है, माँ वैष्णो देवी का स्थान है, यहाँ ऐसी ऐसे पवित्र इलाके में, ऐसी जगह पे आप शराब को परोसेंगे? शराब को बढ़ा, पहले तो दुकानें खुला लिया आपने, अब डिपार्टमेंटल स्टोर में भी शराब को परोसने का कार्य किया जा रहा है। हम कड़ी निंदा करते हैं सरकार को, ऐसे जो आपने जो कदम उठाए हैं इनको जल्द से जल्द वापस ले लीजिए, वरना जम्मू कश्मीर के लोगों के द्वारा जो मास एजिटेशन है उसका सामना सरकार को करना पड़ेगा। देखिए, ये मैं इनके नेताओं को नेता मानता ही नहीं। नेता वो होता है जो टॉर्च बेरर का काम करता है, नेता वो होता है जो जनता की जो आकांक्षाएं हैं, जो जनता के रिजेंटमेंट है उसको पटल पे रखता है, उसको डायरेक्शन देता है। लेकिन ये ऐसे कंफ्यूज्ड लोग हैं, ये इनको मालूम ही नहीं है, इनकी कंफ्यूजन इस तरह पे है। एक तरफ विरोध करेंगे कि देखिए चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, देखिए क्राइम रेट बढ़ा है यूपी और बिहार के लोगों के आने से, और दूसरी तरफ जब वोटिंग की बात आएगी तो वोटिंग में ये क्या करेंगे? ये कहेंगे कि यही लोग, हाँ हिंदुस्तान तो एक है, आप इनको शरण दीजिए यहाँ। अगर इतने आप दयावान हैं तो आपको फिर तकलीफ नहीं होनी चाहिए बाहर के लोगों से भी। फिर दुनिया के अलग अलग देशों में बड़े सारे लोग जिनको और रिसोर्सिस का जो कमी है उनको भी बुला लीजिए, रेड कारपेट बिछा दीजिए सबके लिए। मानसिकता आपका सोच क्या है? जम्मू कश्मीर 1,50,00,000 की जनता, जहाँ उन्होंने आपसे कभी नहीं कहा कि आप बिहार और यूपी के लोगों को यहाँ वोटिंग अधिकार दीजिए, उन्होंने नहीं कहा कि हमें यहाँ शराब की दुकानें खुला दीजिए। जम्मू कश्मीर के लोगों की आपने बात सुनी नहीं, और दिल्ली से जो फैसला होता है इनको मालूम कहाँ है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मालूम ही नहीं, जम्मू कश्मीर के जो हैं ये नेता बने हुए हैं इनको नहीं मालूम कि फैसला क्या आ रहा है। ये सुबह जब उठते हैं फिर इनको मालूम पड़ता है, फिर अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए अलग अलग, और जो लॉजिक दिए जाते हैं वो लॉजिक सही मायनों में है ही। देखिए लूट का अड्डा तो बन चुका है, हमारे रिसोर्सेज पर डाका किस तरीके से डाला जा रहा है, माइनिंग सारी पंजाब के हाथों में है, शराब का कारोबार पंजाब के हाथों में है, हमारे जो बड़े बड़े एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं वो उनको आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में दे रहे हैं। क्या मतलब कि अगर आप कहते हैं यहाँ पहले बाप बेटे की सरकार थी, बाप बेटी की सरकार थी, और अब किसकी सरकार है? अब गुजरातियों की सरकार आएगी यहाँ, अब गुजराती फैसला करेंगे जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का फ्यूचर क्या होगा। जम्मू कश्मीर का अपने फ्यूचर ये तय किया है कि यहाँ एम्प्लॉयमेंट की जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो हाई स्तर पर है। आपने ये फैसला किया है कि यहाँ जगह जगह शराब की दुकानें खोली जाएंगी, मंदिर को शहर में इस तरीके का कार्य करते हुए आपको शर्म नहीं आती?